हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक नया टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है कि बिजली क्लिपर टूल्स। उस टूल्स की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस जो टूल से हम काली लिनक्स में किस तरह का इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे किस तरह का हम यूज कर सकते हैं। ये टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि फ्रूट पेंटिंग के लिए यूज होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे, अच्छा लगता है, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं कि एक्चुअली में इसे यूज किस तरह का ये हो सकता है। इसे जो है ये जो है इसका फीचर देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स है। तो ये जो टूल्स है ये ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स जो है गेटअप में अवेलेबल है ऑलरेडी। और इस टूल्स की मदद से आप क्या करते हो ना, जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, जैसे कि आप वर्नाब्लेट किसी का भी फाइंड करोगे तो कोई भी वेबसाइट का वर्नाब्लेट फाइंड करने के लिए उस वेबसाइट का पूरा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, जो कि उसका फुल डिटेल्स है कि कहाँ पे पोस्टेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, सारे डिटेल्स चाहिए। तो इस टूल्स की मदद से आप उसको सारे इकट्ठा कर सकते हो। और ये जो है वेबसाइट स्कैनिंग के लिए भी टूल्स को यूज किया जाता है। और इसमें बहुत सारे पहले से कह चुका था कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। और जो है ये आईओटी डिवाइस को भी स्कैनिंग करने में आपको हेल्प करता है। और जो है जितने भी लूप होल है, कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट है उसका भी लूप होल से उससे कोर्स इस टूल्स की मदद से भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जो जियोलॉजिकल लुकअप, बैनर, डीएनएस लुकअप, ईटीसी पोर्ट स्कैनिंग आप उस टूल्स की मदद से कर सकते हो। और सिंगल डोमेन को भी टारगेट कर सकते हो, सब डोमेन, कोई भी डोमेन किसी का रखा डोमेन हो, आप एक साथ मल्टीपल डोमेन को भी टारगेट कर सकते हो। और ये जो टूल्स है ये पाइथन लैंग्वेज यूज होके लिखा गया है। अभी चलते हैं कि हम इसे किस तरह का इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम मैं क्या करता हूँ ना, डेस्कटॉप मोड पे पहले से एक फोल्डर बना देता हूँ। मैं आपको इसमें लाइव प्रैक्टिकल नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि लाइव प्रैक्टिकल वीडियो में क्या होता है ना, मेरा जो यूट्यूब के ऊपर स्ट्राइक आ जाता है, जो कि इससे पहले भी बहुत दो वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ चुका है। अगर तीसरा स्ट्राइक आता है तो मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो चुका है। तो इसीलिए मैंने इसको स्क्रीनशॉट मार के रखा हूँ, सारे जो भी मेन मेन पॉइंट जहाँ जहाँ आपको स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा किस तरह का इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहला जो है आप, मैं क्या करता हूँ ना, डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर क्या करता हूँ ना, एक फोल्डर भी बना दूंगा, जो कि फोल्डर बनाने के लिए आपको नॉर्मल कमांड लगाना पड़ेगा, एमके डायरेक्टरी DIR, और जो भी जिस फोल्डर के नाम पे मैं उस टूल्स का नाम दे दिया हूँ, उस टूल्स के नाम पे एक फोल्डर बना दिया। और जैसे ही टूल्स के नाम पे फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा और मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट अगर गूगल पे सर्च करोगे बिली क्लिप और गेट अप करके तो उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा और उसका गेट अप लिंक भी मिल जाएगा आपको। और इसमें क्या करता हूँ ना, मैं एक नॉर्मल एक छोटा सा पैकेट को इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो कि सूडो apt इंस्टॉल HT ट्रैकर एंड पार्टओएब। इस टूल्स ये क्या होता है ना, जो ओएब ट्रैकर है उससे क्या होता है ना, इंस्टॉल हो जाता है इस फोल्डर में, कि हमें जैसे ही वो टूल्स को इंस्टॉल करेंगे तो उस टूल्स में वॉल्यूम डिफाइंड करने में हमें हेल्प मिलेगा। तो उसके बाद क्या करता हूँ ना, मैं गिट क्लोन कर लेता हूँ, जो भी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। उस टूल्स को क्या करता हूँ ना, ये जो टूल्स है ये यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दिया हूँ। ये टूल्स को क्या करते हो ना, आप इंस्टॉल कर लोगे, जैसे इंस्टॉल करके गिट क्लोन कर लोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, जो भी जो फोल्डर में आपने बनाया है उस फोल्डर में क्या होगा ना, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपल सा क्या करना है ना, जो ls करके ls कमांड को यूज करके देख लो कि उस फोल्डर में क्या इस नाम का कोई डाउनलोड हुआ है कि नहीं। अगर डाउनलोड हो चुका है तो आप ls करके देख लोगे। और क्या करोगे ना, सीडी स्पेस देके इस फोल्डर में भी चले जाओगे। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ, जैसे कि सीडी मतलब कॉमन डायरेक्टरी, और इस फोल्डर के अंदर मैं चला गया, फिर ls मार के देखा कि उस फोल्डर में सारी चीज़ें आ चुका है कि नहीं। तो देख सकते हैं कि जो भी उसका पाइथन फाइल है ये वो आ चुका है इस फोल्डर के अंदर। उसके बाद
उसके बाद क्या करोगे ना, सी एच मोड प्लस एक्स बिलिट्रिप्स डॉट पाई, इससे क्या होगा ना, जो आपका जो पाइथन कोड है, ये जो पाइथन कोड था ये एग्जीक्यूट मोड पे आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कलर व्हाइट कलर का था और यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है, मतलब ये जो है एग्जीक्यूट मोड पे आ गया है, मतलब इससे आप यूज कर सकते हो। जैसे ही ये कमांड चला दो उसके बाद आपको क्या करना है ना, उस कोड को आपको रन करना है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे ना, ये वाला कमांड जैसे ही चलाओगे कि पाइथन 3 और वो जो डाटा, और एक बात कि आपका जो काले लिनक्स में है उसमें पाइथन 3 इंस्टॉल होना चाहिए। अगर इंस्टॉल नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर देना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह का इंस्टॉल करना है। एपीटी गेट इंस्टॉल पाइथन 3 करोगे तो आपका जो काले लिनक्स है उसमें क्या होगा ना, पाइथन 3 इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं जैसे ही इस कोड को रन करूंगा तो मेरे सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे मुझे लिखना है कि क्या मैं जो भी वेबसाइट को स्कैनिंग करूंगा उसका आईपी एड्रेस मेरे पास है। अगर चाहो तो आप आईपी एड्रेस यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। अगर आपको आईपी एड्रेस में स्कैन करना है तो आपको सिंपल से यहाँ पे आईपी लिख के एंट्री करना है। अगर आपको वेबसाइट से स्कैन करना है तो यहाँ पे वेबसाइट लिख के एंटर करना है। तो मुझे वेबसाइट से करना था तो मैंने क्या किया कि वेबसाइट लिखा, वेबसाइट लिख के यहाँ पे एंटर किया। जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे मैं आ गया कि एंटर योर वेबसाइट एड्रेस। तो मैं google.com को स्कैन कर रहा हूँ अभी, गूगल को ही मैं स्कैन कर रहा हूँ। तो ये google.com मैंने एंटर किया, google.com एंटर करके जैसे ही मैंने एंटर करूँगा तो इसमें क्या होगा ना, टोटल 22 फाइल्स आ जाएगा। पहला ऑप्शन में क्या आता है ना, डीएनएस लुकअप। आप google.com का जो भी डीएनएस लुकअप है उसे देख सकते हो, हुईज लुकअप पे चेक कर सकते हो, जियोलॉजिकल आईपी एड्रेस भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे उसका डेटाबेस कौन सा एरिया में है, उसे भी आप चेक सकते हो। सबनेट कितना है कि google.com का सबनेट कितना है, और जितने भी पोर्ट है उसका वो स्कैन करेगा, और जितने भी पेज है उसे स्कैन करेगा, जो ट्रांसफर करेगा, HTTP हॉटस्पॉट और आईपी लोकेशन, ये बहुत सारे इसमें देख सकते हो कि बहुत सारा ऑप्शन है। जो भी उसका ईमेल गैदरिंग करेगा, इस वेबसाइट का जितने भी ईमेल होगा उसको गैदरिंग करेगा, सब डोमेन को लिस्टेड करेगा, और भी जो भी फाइंड एडमिन लॉगिन साइट है उसे भी वो फाइंड करके आपको शो करवा लेगा। अगर आपको यहाँ पे चूज करना है कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन, आपको क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो इसमें डीएनएस लुकअप करने के लिए कि जो भी चाहते हो, तो मैं सिंपल यहाँ पे टू किया। टू इसलिए किया कि यहाँ पे देख सकते हो कि जो मेरा प्रीवियस था टू में था, जो सॉफ्ट डोमेन का जो भी रजिस्ट्रेशन है वो इज माई लुकअप क्या है, डीएनएस लुकअप मैंने स्कैन किया, टू को चूज किया। मैंने जैसे ही टू को चूज किया कि यहाँ पे जो डीएनएस आईडी क्या है ये आ गया, और उसका वो जो सर्वर एड्रेस मतलब कहाँ पे है, और कौन सा मॉनिटर यूज हो रहा है, ये डेट कौन सा है, ये टोटल आप देख सकते हैं एक्सपायर डेट कब तक है, इस डोमेन का एक्सपायर डेट क्या है, और मेक मॉनिटर जो जो चीज़ उसमें से आपको मिलेगा, जो जो भी चीज़ आपको मिलेगा सब कुछ यहाँ पे आपको ये करेगा। तो मैं एक नॉर्मल हिंट दिया था कि आपको किस तरह का आपको टूल्स को यूज़ कर सकते हो, तो ये जो टूल्स है इस तरह का काम करता है। और आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो आप दूसरों के साथ शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपने, बाय बाय।